चीन से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जमकर तबाही मचाई थी, जिसके कारण लाखों लोग असमय काल के गाल में समा गए। भारत समेत दुनिया के कुछ देशों में कोरोना जहां खत्म होने की कगार पर है, तो वहीं कई देशों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने दक्षिणी चीन में चमगादड़ों में कोरोना जैसा एक और वायरस पाए जाने का दावा किया है, जो कोरोना जितना ही खतरनाक है। वैज्ञानिकों की टीम ने जिस वायरस की खोज की है, उसका नाम BTSY2 है। ये 5 में से एक इंसान में फैलने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया कि चीन के यूनान प्रांत में चमगादड़ों में मिले उन 5 खतरनाक वाले वायरसों में से एक है, जो मनुष्यों और पशुओं में कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है। 5ों वायरस में एक रिकॉम्बिनेशन सोर्स है, जो कोरोना जैसा है। ये नया वायरस SARS-CoV-2 और 50 SARS-CoV दोनों से निकटता से संबंध रखता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए यूनान प्रांत के 6 शहरों से 15 प्रजातियों के चमगादड़ों के 149 की यूरिन का सैंपल लिया। चमगादड़ों की जीवित कोशिकाओं में मौजूद न्यूक्लिड एसिड, जिसे RNA कहा जाता है, उसे हर चमगादड़ से अलग अलग निकाला गया। जांच में पाया गया कि एक चमगादड़ को एक ही समय में कई वायरस द्वारा संक्रमित किया गया था। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस समय मौजूद कोरोना अपने जेनेटिक कोड में बदलाव कर नए वायरस को जन्म दे सकता है। ये चमगादड़ कई वायरसों के लिए होस्ट का काम करते हैं, साथ ही एक समय पर एक साथ कई वायरसों को अपने अंदर रखकर बड़े पैमाने पर फैला सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि BTSY2 सेल एंट्री के लिए मानव ACE2 रिसेप्टर का उपयोग कर सकता है। बता दें कि ACE2 मानव कोशिकाओं की सतह पर एक रिसेप्टर है, जो SARS-CoV-2 के साथ बांड बनाता है। यही रिसेप्टर शरीर में प्रवेश करने और संक्रमित करने की अनुमति देता है। चीन के यूनान प्रांत को पहले से ही चमगादड़ों से पैदा होने वाले विषाणुओं के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ से कई रोगजनक वायरस की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस का घातक प्रकोप भी चमगादड़ों के ही कारण हुआ था। बता दें कि चीन में पेंगोलिन जानवर को भोजन के रूप में खाया जाता है और उसका उपयोग पारंपरिक इलाज में भी किया जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा भी हो सकता है कि वायरस चमगादड़ के सूंडा, पेंगोलिन और उसके बाद यूनान में पाम सिबिटस में फैल गया। इसके बाद वुहान के सब्जी मार्केट में इसका विस्फोट हुआ, जहां से कोरोना वायरस ने जन्म लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।